हेलो माय लवली एंजल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ आप ओपन माइंड करके ही देखें। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, यहाँ पर आज हमने दो टैरो डेक यूज़ करने वाले हैं, इसमें से आपको एक चूज़ करना है। ओके, सभी जोडियक साइन के लिए हैं, सभी एज ग्रुप के लिए रीडिंग होने वाली है। ओके, अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप चूज़ करें कि कौन से टैरो कार्ड की रीडिंग आपको देखनी है। ओके, तो जिन्होंने डेक नंबर वन चूज़ किया है, सबसे पहले हम उनकी रीडिंग करते हैं और देखते हैं उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, उनके साथ रिलेशनशिप के बारे में। ओके, चलिए, तो जिन्होंने डेक नंबर वन चूज़ किया है, प्लीज़ आप पॉजिटिव हो जाएँ, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें। ठीक है, और नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है पॉजिटिव होकर। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ मेरी वाली लाइट कीजिए, पार्टनर क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। ओके, चैरियट, टेन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, आप में से कोई ने वाइट कलर का टी शर्ट या कुर्ता कुछ पहना होगा, वाइट कलर कुछ आसपास होगा आपके, जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे। ओके, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, फोर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वंड्स। ओके, स्टार, एट ऑफ पेंटिकल्स। ये तो मैं कंफर्म हूँ कि या तो आप, या तो आपके पार्टनर, या तो एस्ट्रोलॉजर हैं, या फिर टैरोट रीडर हैं, या फिर आप स्पेल कास्टर हैं, कैंडल मैजिक वगैरह आप जानते हैं, या फिर आपने यूज़ किया है, या आपने किसी से करवाया है कुछ, वो सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। बहुत शिद्दत से आपके पार्टनर भी आपके पास आना चाहते हैं, वो भी आप में से किसी के पास फेदर्स हो सकते हैं, क्रिस्टल्स हो सकते हैं, एलोवेरा का प्लांट हो सकता है आप में से किसी के पास। ओके, और आपको बहुत ज़्यादा आइडिया है फुल मून न्यू मून के एनर्जीज़ का। ओके, आपके पार्टनर भी इन सब चीज़ों में बिलीव करते होंगे, अगर उन्होंने कभी नहीं बताया ना तो आपको पता चलेगा कि वो बिलीव करते हैं इन सभी एनर्जीज़ में। ओके, ठीक है, या फिर आपने रिसेंटली किसी से टैरो रीडिंग ली है, आपके जो पार्टनर हैं जिन्होंने डेक वन चूज़ किया है, उनके पार्टनर क्या सोचते हैं। भाई आपके पार्टनर सोचते हैं अब उन्हें आना ही है आपके पास, चाहे हालात कैसे भी हों। ठीक है, उन्होंने कंट्रोल किया है अपने थॉट्स को, अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल किया है, आपकी तरफ बढ़ने की इतनी तेज़ एनर्जी है ना उनमें, इतनी स्पीड से आपकी तरफ आएंगे ना आपके पार्टनर। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम नहीं है कि आप दोनों दूर रहेंगे, रीयूनियन का टाइम है, बहुत स्पीड में आएंगे अब आपके पार्टनर। जिनके भी पार्टनर काफ़ी समय से स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, उनके पार्टनर अब टाइम नहीं लगाएंगे आपके पास आएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर अब तक मिले भी नहीं हो ना आप लोग, मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से पर्दा उठ सकता है जो कि अभी आपने नहीं जानी होंगी इस रिलेशनशिप के। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता चलनी ही हैं इस रिलेशनशिप में, आपको नहीं पता है वो सारी चीज़ें, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, वो सारी चीज़ें। अब तक क्या है, आपके पार्टनर ने बहुत सारा कुछ छुपाया है आपसे, या तो देखिए आपने स्टॉक करके सारी चीज़ें पता कर ली हैं,
और आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई मेरा पार्टनर जैसा भी है, जो भी उसकी चीज़ें मुझे पता चलती हैं, मुझे उसको एक्सेप्ट करना ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो ख़ुद से बता देंगे। बहुत सारे कहते हैं ना, ऐसे राज से पर्दा उठेगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ओके, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है आपके पार्टनर को। अगर आप ये समझ रहे हैं कि किसी थर्ड पार्टी वगैरह में है, तो भैया वहाँ से हट चुके हैं आपके पार्टनर, या फिर हटने वाले हैं। अकेला महसूस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, दिमाग में बहुत ज़्यादा बर्डन चल रहा है, नेगेटिव थॉट सब कुछ चल रहे हैं, बहुत अकेले हैं आपके पार्टनर इन दिनों में। एक बाउंड्री है बस, वो क्रॉस करके आपके पास आना है उनको। इस रिश्ते को कभी उन्होंने छोड़ा ही नहीं था, भले से वो थर्ड पार्टी में चले गए, भले से वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे, सेपरेशन में है, लेकिन कभी आपको आपके थॉट्स को छोड़ा ही नहीं उन्होंने। इसलिए आप भी आज तक जुड़े हुए हैं आपके पार्टनर से। ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो साफ हमें बता रहा है आपके पार्टनर के दिल को सुकून मिलता है आपके बारे में सोचकर। आप दोनों की एनर्जीज एक जैसी हैं, बंधे हुए हैं आपके पार्टनर। कहते हैं ना कि जिस पैरों से गए थे उन्हीं पैरों से वापस आएंगे। वो प्यार महसूस करते हैं आपके लिए, बहुत गहरा है आपके पार्टनर से आपका रिश्ता। इस बात का एहसास आपके पार्टनर को भी है कि इस रिश्ते में कुछ गहराई है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, वाटर थेरेपी, वाटर टेक्निक कर रहा है, कोई हीलिंग जानता है यहाँ पर, कोई तो हीलर है या एस्ट्रोलॉजर है जो मेरी रीडिंग देख रहा है। मुझे बताया, आप में से कोई कमेंट नहीं करेगा, लेकिन हो सके तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में आपके पार्टनर रंग भरने के लिए आ रहे हैं। अपने थॉट्स को, अपने दिल दिमाग को बिल्कुल पॉजिटिव कीजिए। ये बात मैं पूरी जितनी देर की भी मैं रीडिंग करती हूँ, कम से कम 5 से 6 बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ ज़रूरी होती है आपका पॉजिटिव होना, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजना अपने पार्टनर को। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले हैं, थर्ड पार्टी ने उनका दिल तोड़ दिया हुआ है। हो सकता है आपको फेदर्स बहुत ज़्यादा दिखें, आपके पार्टनर के दिल का सुकून है आप, या आपके पार्टनर सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। अकेले होते हैं या भीड़ में कहीं भी होते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, उन्हें सुकून मिलता है, उन्हें ऐसे लगता है कि आप ऐसे पर्सन हैं जो उन्हें संभाल लेते हैं, उन्हें थाम लेते हैं, जब भी वो अकेले होते हैं, जब भी वो टूटते हैं। फिर आप ये कहेंगे छोड़कर क्यों गए, छोड़कर जाने के कई सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ट्स, आपके पार्टनर को कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कंट्रोल करके रखना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कंट्रोल, आपके पार्टनर अगर आपको कंट्रोल करेंगे ना, आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बराबर की एनर्जी रखना आपके पार्टनर की और अपनी, नहीं तो वो फिर से बिगड़ जाएंगे, उन्हें लगेंगे वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। 100% में 50% उनकी बात रखिएगा, 50% अपनी बात रखिएगा। ओके, यहाँ पर बहुत सारे, कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपके रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, कोई नेगेटिव एनर्जी यूज़ करता है, कोई आपके पार्टनर को कुछ बोल देता है, ये सारी चीज़ें हैं आपके पार्टनर की। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके पार्टनर बड़ी सारी जगह पर अपने रिलेशनशिप को जाकर कह देते हैं। आपको भी ऐसा नहीं करना है, आपके पार्टनर की आदत सुधर जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा छुपा के रखना पड़ेगा जब आपके पार्टनर आएंगे तो। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में किसी को नहीं बताना है कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ से मेरी बात हो रही है, मेरी गर्लफ्रेंड या मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी बात हो रही है। ये चीज़ थोड़ी छुपा के रखनी है। क्यों छुपा के रखनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन ऐसा पर्सन है जो आपके लिए बुरा चाहता है, कौन कैसी एनर्जीज यूज़ करता है, कौन आपके रिलेशनशिप में नहीं चाहता कि पॉजिटिविटी आए। ओके, 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि हमें साफ दिखाता है आपके पार्टनर आपके साथ इस रिलेशनशिप को बराबर से निभाना चाहते हैं, नेगेटिविटी दूर करना चाहते हैं अपने इस रिलेशनशिप की। ओके, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको लाइफ टाइम अपने पास रखना चाहते हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कुछ चीज़ों का। कुछ चीज़ें मतलब बड़ा इंतज़ार हो गया है, वैसे हो सकता है आप दोनों की कंट्री ही अलग हो, सिटी अलग हो, ऑनलाइन डेट किया हो एक दूसरे को, लेकिन वो जल्दी ही आपके पास आ रहे हैं, भले से आप दोनों की कंट्री अलग हो, कहीं पर भी हो आप दोनों मिलेंगे, ज़रूर मिल रहे हो। जब मिलेंगे ना आप दोनों, वो एक कमिटमेंट होगा आप दोनों के बीच का। ओके, कमिटमेंट के साथ आप दोनों मिलेंगे यहाँ पर। टाइम नज़दीक है, इसलिए पॉजिटिव रहना, मैनिफेस्ट कंटिन्यू करते रहना। स्टार की एनर्जी है, अपने आप को डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना है। ओके, यूनिवर्स आपके साथ है, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को वापस लेकर आ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर भी वापस आना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। जो लोग मैनिफेस्ट नहीं करें, प्लीज़ मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन के लिए आपके ऊपर प्रेशर ज़रूर डालती हूँ। क्यों डालती हूँ, क्योंकि मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन करता ज़रूर है वर्क।
मैनिफेस्ट करते रहना है, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ खुद को कनेक्ट करना है, अपने आप को शांत रखना है, नेगेटिव नहीं होना है, अकेले टाइम में नहीं बैठकर नेगेटिव सोचना है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हैं, आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, उन्हें सुकून मिलता है आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचकर। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। ओके, मैं इस रीडिंग को दो पार्ट में डिवाइड करूँगी, पार्ट वन और पार्ट टू में। ओके, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।